इस वक्त की वड्डी खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि लॉरेंस बिश्नोई दे शूटर का कतल कर दिता गया, बेरहमी दे नाल उसनु मौत दे घाट उतारिया गया। तो दस दिए कि लॉरेंस दे शूटर राजन का यमुनानगर दे विच बेरहमी नाल कतल किया गया, हाथ पैर बन के उसनु अग दे हवाले भी कर दिता गया। तो वड्डी खबर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाल संबंधी सामने आ रही है। दस दिए कि यमुना नहर के नेड़े उसे एक शूटर की लाश मिली है। तो वड्डी खबर है लॉरेंस के शूटर राजन का यमुनानगर के कतल होया है। दस दिए कि बेरहमी के नाल बन के उसनु मौत दे घाट उतारिया गया, हत्थां पैरों नु बन के उसनु अग दे हवाले कर दिता गया। यमुना नहर के नेड़े राजन की सड़ी हुई लाश मिली है। बंबीहा गैंग दे वल्लों कतल की जिम्मेवारी ली गई है। अर्श डाला ने सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पाई है, हालांकि न्यूज़ 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। तो दस दिए कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर का कतल कर दिता गया। कुरुक्षेत्र के रहन वाले राजन जो कि लॉरेंस गैंग के नाल जुड़िया हुआ दसिया जा रहा है, उसका शूटर से उसका बेरहमी के नाल कतल किया गया। तो बंबीहा गैंग ने कतल की जिम्मेवारी ली है। अर्श डाला के वलों सोशल मीडिया के उत्ते यह पोस्ट पाई गई है। तो दस दिए कि करीब एक साल तो दसिया जा रहा है कि घरों यह फरार सी, पर हुण इसकी अद्धी सड़ी हुई लाश जो है वह बरामद हुई है। आज एक सूचना मिली थी कि गुलाबगढ़ के रकबा में नहर के किनारे एक जले व्यक्ति की लाश मिली है। तो सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जो काफ़ी देर के बाद सूचना पकड़ के इसके परिवार वाले भी वहाँ गए, जिसकी शिनाख्त राजन पुत्र महेंद्र सिंह वासी मेरा जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। क्या लगता है सर पहली नज़र में प्राइमा फेसे से? अभी देखो, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। वह तो जड़ी हुई है लाश इसकी, तो इससे तो यही प्रतीत होता जैसे मर्डर हो, लेकिन ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्लियर कि क्या इसकी रेट क्या है। सर कुछ फेसबुक पर पोस्ट भी वायरल हो रही है, कोई बंबीहा गैंग ने इसको मारने की जिम्मेवारी ली है। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं जो मेरे पास बता रहे हो, मेरे को इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी आई नहीं है। परिजनों ने क्या बयान दिया? अभी कोई बयान नहीं दिया है, बयान लेकर के इसमें की कार्रवाई करेंगे। घर से बाहर था सर ये? हाँ, कुछ परिवार वाले कुछ ऐसे ही कह रहे, अभी पता नहीं घर से बाहर ही कहीं रहता था। बाकी कितने समय से बारे पता नहीं, ये परिवार वाले ही बताएंगे इसके बारे में। सोशल मीडिया को भी वैसे चेक करेंगे सर आप? हाँ, जहाँ से सबूत मैं मुझे मिलेंगे इकट्ठे करूँगा और उसके आधार पर आगे कार्रवाई करूँगा। पहचान कैसी हुई थी सर यहाँ? पहचान के वारिस आगे हैं, पता करते हुए 3-4 घंटे तक जो है ना ये आगे हैं, मैंने जो ना पहचान कर ली है। सर कैसे आपको क्या लगता है, जलाया जहाँ यहाँ पर गया है या फिर जला के यहाँ पर बॉडी फेंकी गई है, क्या है ये? अभी कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कहीं और मर्डर किया हो, जलाया यहाँ हो, ये तफ्तीश का पहलू है। मेरी मासी का बेटा था सर, राजन नाम था। हमें तो ये पता चला था सर कि SHO साहब का फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, शायद राजन के आंख शिनाख्त कर लो। अच्छा जी, शिनाख्त में राजन जी सर, एक साल से ये तकरीबन घर से बाहर ही था, घर नहीं आता। वजह क्या थी सर घर से? सर पता नहीं, इनका आपस का ही मैटर है, जो भी है।